मैं रामचंद अलवासिया, पूर्व सरपंच, पूर्व जिला पार्षद। आज आरपी सिंह के नेतृत्व में राजपूत प्रतिनिधि सभा के जितने सदस्य थे और दूसरे जो साथी थे वो इकट्ठे हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि हमारी सरकार आने पर ये 370 धारा हटा देंगे। हम उसके विरोध में ये सरकार को ये कहते हैं कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जाए और कानूनी कार्रवाई करी जाए। किस भाई डिगास रिटायर्ड आईएएस। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के श्रेष्ठ नेता रहे, मध्य प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा कि धारा 370 अगर कांग्रेस सरकार आती है तो उसको विचार करेंगे और हटा देंगे। ऐसे देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी गद्दार जो इतना मुख्यमंत्री रह चुका, उसके बयान की हम सभी सारे समाज के आदमी भर्त्सना करते हैं और ऐसे गद्दार को देश में जो है किसी तरह का भी कोई स्थान ना दिया जाए। सरकार से इस तरह का हम अनुरोध करते हैं। क्या नाम है? कंवरपाल परमार। प्रतिनिधि राजपूत सभा सदस्य है। मैं दिग्विजय की बहुत प्रशंसा कर रहा हूँ, जिन्होंने इतने उच्च कोटि के नेता होते हुए भी इतनी गहरी बात और समाज को और पूरे हिंदुस्तान को ठेस पहुँचाने की है, उनको देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या नाम आपका? कृष्ण कुमार शर्मा, विश्व हिंदू परिषद। ये इस किस्म की जो भाषा बोलते हैं, देश प्रेमी या देश के ही नहीं है, ये पाकिस्तान के प्रेमी हैं और ये हुमायूं अकबर की औलाद हैं। इनसे जल्दी जल्दी, मैं तो राजपूत भाइयों से कहता हूँ कि इनसे जाति से बहिष्कार करना चाहिए। देश से तो के नाम से ये ऊपर वाले जाने, बाकी मैं तो इनसे प्रार्थना पहले करूँ, इन्हें जाति से बहिष्कार करो इनका सबसे पहले, यही। हाँ भाई, मैं सूर्य प्रताप सिंह, हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा से। दिग्विजय सिंह जैसे गद्दार को देश से बाहर किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम 370 को फिर से वहाँ लागू कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस जैसे गद्दार जब तक देश में रहेंगे, देश तरक्की नहीं कर सकता। हमारे समाज की ओर से भी हम इसका बहिष्कार करेंगे और इसको देश निकाला दो और इसके ऊपर कार्रवाई करो।